आज मैं फेमिनिस्टों को चैलेंज करना चाहता हूँ, आज मैं हर उस महिला को चैलेंज करना चाहता हूँ, भारतीय नारियों को चैलेंज करना चाहता हूँ। फिर ये वीडियो खत्म करूंगा एक चैलेंज देके, कमेंट में बताइएगा, और समझ में आया मेरा चैलेंज तो शेयर करिएगा जेन्युइनली, बिना किसी भेदभाव पक्षपात के। भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष, आप देखने क्वेश्चन आर भारत। आज के शो में बात करेंगे कि जो रिप्ड जींस वाला मुद्दा उछला था बहुत तेजी से, तो सीएम तीरथ सिंह रावत साहब जो है उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया था। अब एक तो इस उम्र के आदमी को जाहिर सी बात है थोड़ा सा उनका माइंडसेट उस वक्त का रहा होगा, उन्होंने उस वक्त के लोगों को देखा होगा, उस वक्त की महिलाओं को देखा होगा, तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि किसी भी समय आप कुछ ऐसा देखेंगे कि कल्चरली समाज अगर भटक रहा है तो आपको खटकेगा थोड़ा सा, आप उसको सही रास्ते पे लाना चाहेंगे। उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी कभी, ऐसा मैं नहीं कि मैं उनके पूरे ओपिनियन का समर्थन करता हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़े ही टाइम बाद जैसे ही मुद्दा लाइट होता गया, टीएमसी के मेंबर हैं उन्होंने भी कह दिया कि महिलाओं को पता होना चाहिए कि किस ओकेजन में क्या पहनना चाहिए, किस समय क्या पहनना चाहिए, फ्यूनरल पे क्या, पार्टी में क्या फ़र्क होना चाहिए। उनका भी कहना कि मेरा ओपिनियन था क्योंकि पत्रकार ने पूछा तो मैंने अपनी बात रख दी। सबका ओपिनियन ही होता है, मेरा भी जनरल ओपिनियन यही है कि ये सिर्फ महिलाएं ही तय करें कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। लेकिन एक एग्जांपल से आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। एक महिला है, उसको वॉशरूम जाना है, ठीक, वो बॉयज वॉशरूम में तो नहीं घुस जाएगी ना, ठीक, उसके इतने कॉमन सेंस होगा ना कि सही जगह पे जाना है। उसी तरीके से महिला को कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम क्या पहने जिसमें उनकी ब्यूटी निखर के आए, ना कि वेस्टर्न कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन को ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए, अपनी ब्यूटी को गलत तरीके से सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए आप कुछ भी पहने। ये मेरा भी बस ओपिनियन है, आपके सेंस का बस टेस्ट ले रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा। क्योंकि वॉशरूम वाली चीज़ मैंने इसलिए कही क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात होती है, कुछ चीज़ें किसी को आप समझा नहीं सकते, कह नहीं सकते, सजेशन भी नहीं दे सकते, देना भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, आप खुद तय करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना सही रहेगा। अब फेमिनिज्म के नाम पे इस बात का तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती ना आप कि मेंस वाले वॉशरूम में भी जाने का हक मिलना चाहिए, समझ रहे हैं। अब ऐसी ऐसी फोटोज वायरल होने लग गई, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि फिर जो ये फोटो है तो यहाँ पे लोग बेवकूफ़ हैं क्या, पता नहीं। फिर जो हमारे संस्कृति की जो साड़ी है, हमारे सभ्यता की, हमारे भारतीय कल्चर की जो पहचान है साड़ी, जहाँ फॉरनर्स भी आते हैं तो साड़ी पहनते हैं, जहाँ फॉरनर्स भी आते हैं तो वो अमेंडा सरनी जो उसके पेज पे देखेंगे तो एक से एक, मैं क्या टर्म बोलूँ, नहीं बोलना चाहता, अलग अलग फोटोज मिलेंगी, वो भी यहाँ आती है तो साड़ी में फ़ोटोशूट कराती है। कुछ तो बात है कि पूरी दुनिया को हमारा कल्चर समझ में आ रहा है और हम ही लोग हैं जो बेवकूफ़ बने पड़े हैं, और हमें कुछ समझाता भी है कि उस वक्त का आदमी हमें समझाता भी है कि हमने भाई 90s का समय देखा है, इतना एक्सप्लॉयटेड नहीं था कल्चर, समझ जाओ, ऐसे नहीं था, ऐसे आ जाओ। और आप उस पर इस तरीके का विरोध करते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि उसने भावनाएं तो आहत नहीं करती, उसको माफ़ी मांगनी पड़ती है, चलिए ये भी ठीक है, अपने लिए खड़े हों। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कोर इशू कुछ और होना चाहिए? आज मैं फेमिनिस्टों को चैलेंज करना चाहता हूँ, आज मैं हर उस महिला को चैलेंज करना चाहता हूँ, भारतीय नारियों को चैलेंज करना चाहता हूँ। फिर ये वीडियो ख़त्म करूँगा एक चैलेंज देके, कमेंट में बताइएगा, और समझ में आया मेरा चैलेंज तो शेयर करिएगा जेन्युइनली, बिना किसी भेदभाव पक्षपात के। आप उनके लिए कब लड़ेंगी जो बेचारी महिलाएं बुरके में जी रही हैं, गर्मी हो, ठंडी हो, जैसा मौसम हो, ऊपर से लेके नीचे तक कवर्ड, कैसी भी स्थिति हो, कवर्ड, पूरा स्कार्फ लगा के, मतलब दम नहीं घुटता होगा। मैंने भी एक लड़की से बात की थी, फॉरेन में कोई थी, मुसलमान थी, उसने बताया कि अपने चेहरे को इसलिए कवर करके रखती हूँ और प्राउडली, क्योंकि मेरा चेहरा सिर्फ अल्लाह के लिए, मैं किसी को नहीं दिखा सकती, अल्लाह के लिए। अल्लाह क्या करेगा भाई आपके चेहरे का, क्या उन 72 हुरों में आपको शामिल होना है इसलिए आप बचा के रख रही हैं? क्या लॉजिक है इस बात का? आपको तो जन्नत मिलेगी भी नहीं, इस्लाम तो अलाउ ही नहीं करता कि आपको जन्नत मिलेगी, क्या बात कर रही हो। तो जो नकाब है, जो बुरखा है, जो बोड़े की तरह बन के निकलती हैं, जो भीड़ में दस्त हो चलेंगी तो फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा, जो फोटो खिंचवाएंगे बुरखे में तो पता भी नहीं चलेगा कि उनमें से कौन कौन है, क्या मतलब है उसको बुरखे में फ़ोटो खिंचवाने की? आप लॉजिक समझिए, इसियों के ट्रोल मीम बनते हैं, आप मजाक का पात्र बन के रह चुके हैं, आप अपने हक के लिए कब लड़ेंगे? अगर मुस्लिम महिलाएं देख रही हैं तो, और उन हिंदू फेमिनिस्टों की बात कर रहा हूँ, अगर
आपको बहुत फेमिनिज्म चढ़ा हुआ है, इनके लिए भी लड़िए, तो पूरी जिंदगी इनके घुटन में बीत जाएगी। और जो मेरे जानने में जो पुराने स्कूल की लड़कियां हैं, जो मुसलमान हैं, जो पूरा मॉडलिंग कर रही हैं, बॉडी एक्सपोज कर रही हैं अच्छे से, उनको कितना क्रिटिसिज्म आता है, डेथ थ्रेट्स आते हैं। मुसलमान लड़कियां हैं तो मुसलमानों से आते हैं कि तुम बॉडी क्यों एक्सपोज कर रही हो, अल्लाह ये कर देगा वो कर देगा, इस्लाम के खिलाफ कुरान के खिलाफ, तो फिर जवाब भी देती हैं। तो वो बेवकूफ़ हैं जो कल्चर सेट के काम कर रही हैं, अपने अरबी कल्चर सेट के। बराबरी चाहिए तो सबके लिए सामान्य थॉट प्रोसेस होना चाहिए ना। किसी एक पर्टिकुलर समाज को कमज़ोर समझ के, उसकी सहिष्णुता को कमज़ोर समझ के, उसको उस हद तक पुश मत करिए कि वो जब दीवार से टकरा जाए तो उसके बाद जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना रह जाए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, और अपने कल्चर की ब्यूटी को समझिए। मैं देखूंगा कि इस पर प्रोटेस्ट कब हो रहा है। बुरखा वाली बात, किसी की हिम्मत है तो बैन बुरखा अक्रॉस द इंडिया ट्रेंड कराओ। किसी भी तरह का सपोर्ट करना हो, कॉन्ट्रीब्यूशन करना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम तो जुड़ जाइए, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए इस बारे में क्या है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, शेयर करना बहुत जरूरी है। फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, वंदे मातरम।